हेलो एवरीवन, आई एम संदेश सर। जैसा कि आप लोग पता, आज से हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की मैथ को बहुत अच्छे तरीके से पूरी बुक का सोल्यूशन करेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट मतलब क्वेश्चन वाइज को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक बिल्कुल टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम लोग क्लास को डिस्कस करेंगे। अभी तक पूरे यूट्यूब पर आपको चैलेंज दे रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर अभी तक किसी ने भी बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की बुक का अभी तक किसी ने सॉल्यूशन नहीं किया। और ये इसीलिए ना बढ़िया यूट्यूब चैनल है हमारा, क्योंकि इसमें हम वही टॉपिक उठाते हैं जो अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं कराए हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है सांख्यिकी विषय प्रीवियस स्टैटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इसके बारे में सांख्यिकी का क्या क्यों करते हैं और है क्या, तो बहुत अच्छे तरीके से हम थ्योरी पार्ट को लिखते जाएंगे, और जो लिखते जाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में चीजें आएंगी जाके। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर में, चैप्टर वाइज बहुत अच्छे तरीके से हम चीजों को करते चले जाएंगे। तो जैसा लिखा है, शब्द स्टैटिक्स एक इटालियन से निकला है, किस इटालियन भाषा से निकला हुआ शब्द है। स्टैटिस्टा का अर्थ स्टेटिस्टा का अर्थ स्टेट्समैन होता है। क्या स्टेट्समैन होता है। अच्छा, स्टेट्समैन का अर्थ होता है राज्य कार्य में कुशल। क्या राज्य कार्य में कुशल, राज्य कार्य में कुशल होना चाहिए, मतलब जो कर्मचारी होना हो वो क्या हो, कुशल होना चाहिए। इसका पहला अर्थ स्टैटिक से होता है। सांख्यिकी का पहला अर्थ दो प्रकार से होता है, पहला तो स्टैटिक से होता है, दूसरा सांख्यिकी आंकड़ों मतलब स्टैटिकल डाटा से होता है। अब इसके बारे में, इसके जो फादर हैं, वैसे तो वो आर्य फिशर को भी मानते हैं, क्या आर्य फिशर को भी मानते हैं, लेकिन सांख्यिकी विषय पर सबसे पहले जो थे गुटब्रिड एच वेल थे, ये प्रथम व्यक्ति जिन्हें हम लोग क्या है, फादर ऑफ स्टैटिक्स कह रहे थे। प्रोफेसर कर्ल पर्सन और क्या फिशर का भी बहुत विषय में योगदान है, इस विषय में मतलब आर्य फिशर का भी बहुत योगदान था। लेकिन इसके फादर कौन, तो सबसे पहले फादर लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉटफ्रीड एच एन वेल। क्या बता, फादर कौन है, गॉटफ्रीड एच एन वेल, ठीक, इसके पिता हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आता है सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, एक एक चीज एक एक भाषा। तो आप लोग अच्छे स्टूडेंट की खासियत क्या होती है, वो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठते हैं, क्या पेन और कॉपी साथ में लेके बैठते हैं, जिससे उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो स्टैटिक शब्द का प्रयोग दो प्रकार से होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं तो इसको बोर्ड पे लिखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी जाके, अगर लिखेंगे नहीं मुझबानी बोलेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे चीजें। तो लिखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते चलिए, और इतने अच्छे नोट्स बनेंगे तो आप लोग देखोगे कि 15 से 20 पेज में पूरी स्टैटिक्स कवर हो जाएगी थ्योरेटिकल की, है ना। तो इस नोट्स की आप पेपर के पहले एक दो दिन पहले रिवाइज कर लोगे, आपको पूरी चीज याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम सब चीजों को लिखेंगे। तो मेरे साथ आप लोग बस इतना है, लिखते चलिए आप लोग। स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग, स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग दो प्रकार से होता है, प्रकार से होता है, पहला एकवचन के रूप में, पहला एकवचन के रूप में, तथा दूसरा बहुवचन के रूप में,
बहुवचन के रूप में। क्या पता है, स्टैटिक शब्द का प्रयोग दो प्रकार से होता, पहला एकवचन के रूप में, दूसरा बहुवचन के रूप में होता है। अच्छा, बहुवचन में इसका अर्थ होता है, बहुवचन के रूप में बहुवचन के रूप में इसका अर्थ बहुवचन के रूप में इसका अर्थ होता है समांक या आंकड़े। क्या बोला हमने, समांक या आंकड़े। आंकड़े को हम लोग डाटा कहते हैं। क्या आंकड़ों, इसको क्या बोलते हैं, डाटा। ठीक, और एक वचन के रूप में इसका अर्थ होता है, एक वचन के रूप में सांख्यिकी विशेष है, किससे होता है, सांख्यिकी विशेष है। क्या बोला हमने, सबसे बोला स्टेटिक शब्द इटालियन से निकला है, स्टेटिस्टा का अर्थ होता है स्टेट्समैन अथवा राज कर्मचारी, इसके फादर हैं गॉड फ्रेंड एच एन वेल है। और सांख्यिकी का अर्थ स्टेटिक शब्द का प्रयोग दो प्रकार से होता, पहला एक वचन के रूप में, दूसरा बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में इसका अर्थ समांक आंकड़ों या डाटा से होता, एक वचन के रूप में उसका होता अर्थ सांख्यिकी विषय से होता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। क्या करेंगे, परिभाषाएं, आंकड़ों डाटा की परिभाषा लिखेंगे, समांक या आंकड़े। परिभाषा साथ साथ में लिखते चलेंगे, स्टेटिस या स्टेटिकल डाटा, तो इससे हमें क्या होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम लोग अच्छे तरीके से सब चीज करते चले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कठिन भी है, लेकिन समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तथ्यों के बेसमूह, कुछ लोगों को मेरी स्पीड धीमे लग रही होगी, लेकिन जिसको अगर तेज करना तो वो स्पीड तेज कर सकता है, जिसको तेज लग रही है वो कम कर सकता है, लेकिन हम अपनी मीडियम स्पीड से हमें हर एक उस बच्चे को समझाना जिसको लगता है कि मैथ स्टैटिक्स बहुत कठिन है, उस बच्चे को भी चीजें आनी चाहिए। तथ्यों के बेसमूह समांक कहलाते हैं, जो बहुत कारणों से प्राप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं तथा संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकते हैं, संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं कि जा सकते हैं। क्या बोला, तथ्यों के बेसमूह समांक कहलाते हैं, जो बहुत कारणों से प्राप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं तथा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं, एक उचित मात्रा में परिशुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किया जा सकते हैं। मतलब एक उचित मात्रा में इनको क्या कह सकते हैं, गिन सकते हैं या अनुमानित कर सकते हैं और उन्हें क्या व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जा सकते हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे उचित मात्रा में गिने जा सकते हैं। उसके बाद व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जा सकते हैं
एकत्रित किए जा सकते हैं जा सकते हैं। और आपसे मुझे समंक आंकड़े की परिभाषा बताइए, तो क्या बताओगे? तथ्यों के वे समूह समंक कहलाते हैं जो बहुत कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं तथा संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, उचित मात्रा में गिने भी जा सकते हैं और व्यवस्थित ढंग से एकत्रित कर सकते हैं डाटा। ठीक, उसके बाद है समांकों की विशेषताएं। क्या है समांकों की विशेषताएं? समांकों की विशेषताएं, करेक्ट, इंग्लिश में भी लिखते जाएंगे जिससे इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना, सी एच ए आर ए सी टी ई आर आई एस टी आई सी एच, करेक्टरिटीज ऑफ स्टैटिकल डाटा, ऑफ स्टैटिकल स्टैटिकल डाटा। ठीक, इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि क्या लिखा है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक, समांकों की विशेषता, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिकल डाटा, तो इसमें हमें हेडिंग बाय हेडिंग लिखते चले जाएंगे, आपको बस अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, हेडिंग ही याद होनी चाहिए। नंबर वन क्या है इसका? संख्यात्मक रूप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डाटे को एक दो तीन चार पांच के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो नंबर वन, संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित हो सकते हैं, संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित हो। नंबर टू है समूह के रूप में प्रदर्शित हो, आपको चार पांच याद हो जाएंगे, बहुत हैं समूह के रूप में प्रदर्शित हो। यहां से क्वेश्चन बहुत आता है कि स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स का अर्थ बताइए और इसकी परिभाषा बताइए, कार्यक्षेत्र बताइए। तो एक ही टॉपिक के अंदर, मतलब एक ही एक या दो क्लास के अंदर आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस रहेगा, और यहां से एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। ठीक, ये बहुत कारणों से प्रभावित होते हैं, ये तुलना के लिए भी होना चाहिए, तुलनात्मक होने चाहिए, वेरी गुड। नंबर थ्री, ए तुलनात्मक होने चाहिए, तुलनात्मक होने चाहिए चाहिए। ठीक, तुलनात्मक होने चाहिए, लास्ट और लिख लो। उसके बाद क्या होना चाहिए? ए व्यवस्थित रूप से संकलित हो, व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित रूप से संकलित हो, संकलित हो। ठीक, चार बहुत है, क्या बताओगे? संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित हो, समूह के रूप में प्रदर्शित हो, ये तुलनात्मक होने चाहिए, व्यवस्थित रूप से संकलित होने चाहिए। अब उसके बाद आती है हमारी सांख्यिकी की परिभाषा, है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दो तीन प्रोफेसर के अनुसार लिखाएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से सब चीज समझ में आएगी। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ओके, आप लोग बस क्लास को शेयर करते रहे, क्योंकि हमने ये सोचा है कि ऐसे बच्चे जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं उनको पूरी बुक का सोल्यूशन मिल जाए, जिससे वो मैथ में अच्छा स्कोर कर पाए। पिछली बार के जो बच्चे हमारे ऑनलाइन के थे उनकी 50 में से 42 नंबर थ्योरी में आए हैं, तो हमने सोचा जो हमारे ऑफलाइन के बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो ऑनलाइन के भी बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं ले सकते, किसी वजह से नहीं ले सकते, किसी के पास फीस नहीं, किसी के पास टाइम नहीं, कोई दूर से आता, कोई एरिया में नहीं रहता, कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से है, अदर स्टेट से है, तो उन बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए इतनी अच्छी सोचा, बस आप लोग लाइक करते रहो और अपने पांच पांच दोस्तों को शेयर करते रहना जो भी एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हो। ओके, फिर हमारी क्या है सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी की परिभाषा, तो हम लोग दो तीन प्रोफेसर के अनुसार सांख्यिकी की परिभाषा लिखेंगे, बाकी बस एक लिखेंगे बार्डिंगटन के अनुसार। किसके अनुसार? नंबर वन बार्डिंगटन के अनुसार, टन के अनुसार,
तो वाडिंगटन के अनुसार क्या होता है आप लोग देखना, इसको इंग्लिश में बस तीन लाइन की है तो इसलिए इंग्लिश में जा रहा है। इट इज साइंस, इट इज द साइंस, साइंस ऑफ एस्टीमेट, एस्टीमेट्स एंड प्रोबिट्स, प्रोबेबिलिटीज मतलब सांख्यिकी अनुमानों और प्रयक्ताओं का विज्ञान है। क्या बोला? सांख्यिकी अनुमानों और प्रयक्ताओं का क्या है? विज्ञान है। तो इट इज द साइंस ऑफ एस्टीमेट्स एंड द प्रोबेबिलिटीज। ठीक, एस्टीमेट्स माने क्या हो जाता है कि अनुमान, और प्रोबेबिलिटीज माने क्या? तो प्रयक्ताओं का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी एक अनुमानों और क्या प्रयक्ताओं का विज्ञान है। तो किसके अनुसार होगा? वाडिंगटन के अनुसार। एक हम लिख लेंगे आर ए फिशर के अनुसार, नंबर वन टू किसके अनुसार? आर ए फिशर के अनुसार। तो आर ए फिशर ने क्या कहा था कि सांख्यिकी विज्ञान आवश्यक रूप से, सांख्यिकी विज्ञान विज्ञान आवश्यक रूप से, आवश्यक रूप से गणित की एक शाखा है, गणित की एक गणित की एक शाखा है जो समांकों पर प्रयोग किए जाने वाले, जो समांकों मतलब डाटा पर प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले गणित के रूप में मानी जाती है, गणित के रूप में मानी जाती है। ठीक, तो आपसे अगर कोई पूछे परिभाषा तो आप दो बताओगे कि वाडिंगटन अनुसार इट इज द साइंस ऑफ द एस्टीमेट ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मतलब सांख्यिकी एक क्या विज्ञान के अनुमानों और क्या होता है प्रयक्ताओं का विज्ञान है। सांख्यिकी कैसा है? अनुमानों और प्रयक्ताओं का विज्ञान है। दूसरा अगर कोई पूछे तो आर ए फिशर के अनुसार सांख्यिकी विज्ञान आवश्यक रूप से गणित की एक शाखा है जो समांकों पर प्रयोग किए जाने वाले गणित के रूप में मानी जाती है। किसके रूप में मानी जाती है? गणित के रूप में मानी जाती है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी का उद्देश्य, एम ऑफ स्टेटिक्स। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी के उद्देश्य, सांख्यिकी के उद्देश्य। ठीक, इसको बोलते हैं एम ऑफ स्टेटिक्स। तो इसके उद्देश्य क्या है? नंबर वन क्या था? समष्टि का अध्ययन। समष्टि को बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, यहां इंग्लिश हिंदी वाले दोनों को इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम जो हिंदी में शब्द लिखते हैं वो इंग्लिश में बोल देते हैं और जो इंग्लिश में लिखते हैं उसको हिंदी में बोल देते हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हो गया समष्टि का अध्ययन। ठीक, तो समष्टि की पहले परिभाषा हम लिखेंगे, समष्टि के। तो क्या होता है? एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह को समष्टि कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह को क्या बोलते हैं? समष्टि कहते हैं। लिखो, एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह को, उनके समूह को समष्टि कहते हैं, समष्टि कहते हैं। क्या बोला? एक ही प्रकार के व्यक्तियों के समूह को समष्टि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो सकते हैं? स्त्री, पुरुष। ठीक, ये क्या हो गया? समष्टि हो गया। दूसरा आता है प्रतिदर्श, नंबर टू प्रतिदर्श, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से परिभाषा भी आ जाती है कि प्रतिदर्श की परिभाषा बताइए। मतलब प्रतिदर्श को इंग्लिश में कहते हैं सैंपल। ठीक, कहता कि प्रतिदर्श की परिभाषा,
पेपर में बहुत बार आया हुआ कि प्रतिदर्श की परिभाषा बताइए, है ना, प्रतिदर्श की परिभाषा बताइए। ओके, तो देखो समष्टि के विशेष विषय द्वारा, क्या बोला, समष्टि की विशेष विषय द्वारा चुनी गई, समष्टि के विशेष विधि द्वारा चुनी गई इकाइयां सैंपल कहलाता। भाई यहां पे 10-20 लोग बैठे हैं, तो उसमें से हम अच्छी गोल्ड की क्वालिटी निकालनी है, तो उनके क्या पेपर कराएंगे, जो अच्छा बच्चा होगा वो निकल के बाहर आ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैंपल बोल देते हैं। तो लिखो समष्टि से विशेष विधि द्वारा द्वारा चुनी हुई इकाइयां क्या कहलाते हैं, सैंपल कहलाते हैं, प्रतिदर्श कहलाते हैं। क्या बोला हमने, समष्टि से विशेष विधि द्वारा चुनी हुई इकाइयां प्रतिदर्श कहलाती हैं। ठीक, हम क्या कहें, गेहूं के पौधे के बहुत सारे लगा लेंगे, उसमें जो अच्छी क्वालिटी के होंगे उनको अलग निकालेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सैंपल बोल देते हैं। ठीक, तो इसकी हमें क्या सांख्यिकी उद्देश्य की खाली हेडिंग याद होनी चाहिए। नंबर 1 का स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बोला था, और नंबर 2 इसका है विक्षेपण तथा उसके कारणों का अध्ययन, विक्षेपण तथा उसके कारणों का अध्ययन कोई आपसे पूछे कि सांख्यिकी के उद्देश्य क्या बताए, तो क्या बताओगे, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, नंबर 2 बताओगे विक्षेपण तथा उसके कारणों का अध्ययन, नंबर 3 ही होते हैं, तो तीसरा क्या बताओगे, समांकों के संक्षिप्तीकरण का अध्ययन, समांकों के संक्षिप्तीकरण का अध्ययन। क्या बोला, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया, समांकों का अध्ययन हो जाएगा, स्टडी ऑफ में क्या हो जाएगा हमारा, समष्टि का अध्ययन, इसका क्या, इसको भी हिंदी में लिख देती, क्या बोला था हमने, समष्टि का अध्ययन। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बताओगे, समष्टि का अध्ययन, विक्षेपण तथा उसके कारणों का अध्ययन, और समांकों के संक्षिप्तीकरण का अध्ययन। ये तो हमारे क्या हो गया, इसके उद्देश्य हो गए रखे। ठीक, अब आ जाएंगे हमारी सांख्यिकी की विधियां। तो सांख्यिकी की विधियों को खाली हम हेडिंग बाई हेडिंग पढ़ेंगे, और बाकी उनकी परिभाषाओं को उसके बाद हम लोग अंदर जब एक टॉपिक चलेगा वर्गीकरण सरणियन, तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको बाद को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो विधियां होती, जैसे हो गया वर्गीकरण, तो आ जाएगी वर्गीकरण की परिभाषा, लेकिन जब वर्गीकरण की परिभाषा हम जब लिखाएंगे, जब इसका हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर में ही वर्गीकरण सरणियन के अलग अलग टॉपिक हैं, तो वहां से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको खाली हेडिंग लिखा देंगे, और उससे आपको तैयार हो जाएगा, है ना। स्टैटिकल मेथड, ठीक, मतलब सांख्यिकी की विधियां। तो सांख्यिकी विधियां कौन सी, समांकों का संकलन, आप लोग बस इंग्लिश में लिखते हो समांकों का अध्ययन। जो इंग्लिश वाले बच्चे उनको हम इंग्लिश में बोल देंगे, समांकों के अध्ययन को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, भाई अध्ययन कलेक्शन ऑफ डाटा। नंबर 2 क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण, इतना तो इंग्लिश वाले बच्चों को पता होता, वर्गीकरण। ठीक, नंबर 3 हो जाता सरणियन, टिबुलेशन, सरणियन।
ये अलग से अपने अपने टॉपिक है, तो इनको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जाके चैप्टर वाइज। फिर है प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण हो रहा है। नंबर पांच होगा विश्लेषण मतलब एनालाइज करना, विश्लेषण करना। नंबर चार होगा निर्वाचन, इन्फेरेंस, निर्वाचन। ठीक, तो अगर आपसे मुझे स्टैटिस्टिक्स के मेथड कितने होते हैं, छह। क्या नंबर वन समांकों का अध्ययन, वर्गीकरण, सरणीयन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वाचन। ठीक, ये तो क्या हो गया हमारी सांख्यिकी की विधियां हो गई जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसका लास्ट है क्या हमारा, उसके अगर चैप्टर कंप्लीट हुआ, सांख्यिकी महत्व और उपयोगिता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नंबर वन सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी का महत्व या उपयोगिता। पेपर में बहुत आता है कि सांख्यिकी की परिभाषा बताएं, कार्य क्षेत्र और विधियां तथा इसका महत्व और उपयोगिता भी साथ में बताते चलिए, है ना। तो वहां पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही क्लास से आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, वहां से आपको कोई दिक्कत नहीं दे। तो आपकी उपयोगिता सिर्फ हेडिंग बाय हेडिंग दिखाएंगे, यहीं से आपका पूरा पेज कवर हो जाएगा और सब चीज समझ में आएंगे। नंबर वन शासन के लिए उपयोगिता होती, वेरी गुड। शासन के लिए उपयोगिता, भाई शासन के लिए तो बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि शासन को चलाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कोई भी स्टैटिकल मेथड से हमें किसी का एवरेज निकालना है तो हमें क्या मीन आना चाहिए, मीडियन मोड आना चाहिए, इसी तरीके से तो हम डाटा को डिफाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले शासन के लिए उपयोगिता हो जाता। नंबर दो बड़ी जरूर उद्योग क्षेत्रों में, वाणिज्य तथा उद्योग क्षेत्रों में, भाई उद्योग को धंधा करने के लिए हमें उद्योग घटाना भाग जाना चाहिए उद्योग के क्षेत्र में। नंबर टू है, थ्री है अनुसंधान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में। नंबर चार है सामाजिक और आर्थिक घटनाओं के लिए, सामाजिक एवं आर्थिक घटनाओं के लिए, आर्थिक घटनाओं के लिए। ठीक, नंबर पांच है शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में, एक दो तीन चार पांच, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, के क्षेत्र में। क्या बोला, नंबर पांच हो गया। ठीक, नंबर छह है जटिल कार्य, जटिल को सरल बनाने के लिए, नंबर छह है जटिल को सरल बनाने के लिए, बनाने के लिए। नंबर लास्ट है क्या, औषधि विज्ञान के लिए, औषधि विज्ञान के लिए, औषधि विज्ञान के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हमने कहा स्टैटिकल मेथड क्या है, समांकों का अध्ययन, वर्गीकरण, सरणीयन, पुष्टिकरण, विश्लेषण। मतलब स्टैटिकल मेथड कोई पूछेगा तो आप बताओगे, सांख्यिकी का महत्व अगर आपसे कोई पूछते तो सात पॉइंट बता दोगे, हो जाएगा। शासन के लिए उपयोगिता, बड़ी जरूरत उद्योग के लिए, अनुसंधान क्षेत्र के लिए, सामाजिक और आर्थिक घटनाओं के लिए, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में, जटिल को सरल बनाने के लिए, औषधि विज्ञान के लिए। अब यहां से जो क्वेश्चन आता आप लोग एक बार सुन लो, क्वेश्चन आया है कि स्टैटिक्स का अर्थ बताइए और क्षेत्र बताइए, तो आपको एक ही क्लास से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, सांख्यिकी का विस्तार बताइए, सीमाएं बताइए, सांख्यिकी की परिभाषा बताइए, सांख्यिकी का क्षेत्र बताइए। तो एक ही क्लास से आपके पूरा चैप्टर डिस्कस हो गया है, और आप लोगों को क्लास लगी हो, थोड़ी सी मेरी मेहनत लगी हो, तो क्लास को लाइक जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।